Hey Google, what is the weather today? Today in Montreal, it'll be mostly cloudy, with a forecasted high of 2 and a low of minus 1. Right now it's 0 degrees and mostly sunny. 0 degrees. Minus one. भाई सर्दियाँ शुरू होने वाली है, हो गई है आज. आज आई थिंक लास्ट दिन है और कल बर्फ पड़ जाएगी. कल बर्फ पड़ जाएगी शायद पहली इस साल की. तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ. और मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्कूटर पे जाता हूँ और मेरे को डेली अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स जाना होता है और आना होता है, तो 5 किलोमीटर्स अराउंड. तो स्कूटर में अभी तक तो ठीक था, बट कल बहुत इतना ठंडा था कि मतलब पूरे गाल बिल्कुल नम हो जा रहे थे. तो आज देखता हूँ कैसा है. और कल तो वैसे भी बर्फ़ पड़ेगी, तो उसके बाद तो ले जाना मुश्किल है. तो ये लास्ट दिन होगा, तो मैं सोच रहा था एक वीडियो बना देता हूँ और उसको डालते. और उसके बाद जब बर्फ़ पड़ेगी तब मैं एक बार और डालूँगा, मतलब एक वीडियो बना के फिर देखना कितना डिफरेंस है ना. फील क्यों आ रही कि मतलब लगने वाली है, क्यों क्यों पता है? क्योंकि कल जिस हिसाब से मेरे हाथ नम हो रहे थे ना, बिल्कुल मतलब जाम हो गए थे यार जाते हुए. जबकि मैंने 2 ग्लव्स पहने हुए. अब 2 ग्लव्स वो इतने खतरनाक भी नहीं है, मतलब फिर भी राइडिंग के हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना यार. चलो देखते यार, आज मतलब मैंने ऐसे डेयरिंग वाला काम कर रहा हूँ ना, चलाई है मैंने बाइक. ठीक है, अभी कई लड़के बोलेंगे मुझे क्या है बर्फ़ में बाइक नहीं चलाई. भाई बर्फ़ में बाइक चलाना अलग बात है, जब बर्फ़ पड़ जाती है ना तब ठंड कम हो जाती है. तो बर्फ़ पड़ने से पहले जो ठंड होती है ना वो होती है भाई खतरनाक. तो पड़ती है मेरे घर पे भी बर्फ़ पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है. मैं पहली बार बर्फ देख रहा हूँ, बट यहाँ जो ठंड है ना वो भी खतरनाक है ही खतरनाक. -50 पे जाता है तो ठंड तो है ही. आज देखते हैं ना खतरनाक ठंड. गाना चलाऊंगा बढ़िया वाला पहले, है ना. अब अगर मैं इसे इतना भी कर दूंगा ना तो भी ठंड लगेगी मुझे, मुझे पता है. सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसा करके ये पहन के ठंड बताऊं कहाँ लगेगी? इसके अंदर यहाँ पे देख लिया मैंने प्रैक्टिकल करके, यहाँ पे लगती है यहाँ पे. और जब यहाँ पे लगती है ना दर्द होता है, दर्द बहुत खतरनाक दर्द होता है. मैं क्या पता बाबू, चलो मैं गाना सेट करूं और उसके बाद फिर मैं मतलब चलो यार वैसे ही रहो तुम. गाना चला देता हूँ पहले, बोला पे चला देता. भाई साहब को पहनते हैं हाथ पे. लाइट वाइट खोली तो नहीं छोड़ दी ना भाई? हेलो, मेरा एक दोस्त है बड़ा खतरनाक है भाई. लाइट छोड़ दी, एक दिन जूते गिल्ले हो गए थे बाहर ही छोड़ दी मैंने.
कर लो मेरे साइड। That's it. कैसा है भाई ठंड? अभी तो नहीं लग रही यार, अभी नहीं लग रही पता इतनी। अभी नहीं लग रही ठंड, ठीक है। अभी सही बताऊं तो अभी चलते हुए कुछ भी नहीं है, ऐसे चलते हुए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने कपड़े पहनो और निकल लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ से शॉर्टकट है मेरा, लेकिन चाबी नहीं है अभी मेरे पास के। अपने स्कूटर को मैंने चार्जिंग पे लगाया था, हटा देता हूँ इसे चार्जिंग से। बस भाई आज तुझे लास्ट टाइम चार्ज करूँगा मैं। और आई ब्रो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ये, 30 किलोमीटर पर आवर बहुत सही है। और नीचे मैंने LED का सेटअप लगवाया, नहीं नहीं सॉरी मैंने नहीं लगाया यार, ये टॉक था। बहुत काम आया यार ये मेरे, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। चलो भाई मेक श्योर बंद हो जाए यहाँ। ओके ब्रो, ओके चले फिर। ऑलराइट गो। मैंने इसे हाथ पे इसलिए लगाया, मैंने कहा ज्यादा वाइब्रेशन ना हो तो ये ज्यादा हिलेगा नहीं, ठीक है, वरना मैं इसको अगर स्कूटर पे लगाता तो ये ज्यादा हिलता, तो आई थिंक ये हिल ही रहा है वैसे भी ज्यादा। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत तगड़े ढंग से फॉलो करने पड़ते हैं भाई, मैं $200-300 कौन ही देगा भाई। मैं गाड़ी लेता हूँ, चलो चलो ट्रक वाले चाहता हूँ, बड़ा तब डर लग गया मुझे ट्रक वाले चाचा। ये इसने लगा तो इसने सही रखा, और क्या बताऊँ यार। एक बात ये है कि कल की तरह ठंड नहीं लगती मुझे, बट कल मैं ना आई थिंक 45 मिनट पहले आया था, मतलब अर्ली आया था, तो उससे भी फर्क पड़ता है क्योंकि अभी सूरज आ गया, सूरज थोड़ा तापमान बढ़ा देता है। अरे उठ गया, चलो भाई क्या इसका वेट कर रहे थे। अरे भाई साहब चलो फुल स्पीड,
लाइटें ग्रीन होती जा रही है यार, एक चीज छोड़िए देखो सारी लाइटें ग्रीन होती है। लाइटें ग्रीन हो रही है तो मतलब मेरे को रुकने का मौका नहीं मिल रहा। अभी रुकने का मौका नहीं मिल रहा तो मतलब मेरी नाक भी सुन्न हो गई है ना अभी। ओह अबे ये फिर से ग्रीन हो गई। ओह मेरे को रुकना भाई, रुकना पड़ेगा। रेड लाइट पे रुकेंगे यार। देख रहे ट्रक वाले चाचा हम आ रहे पीछे। अरे भाई ये ग्रीन लाइट मिलती रहूंगी क्या आज? अच्छा आगे वाली पे रेड हो गया। गलत वाली लेन ले लूँ क्या? ये वाली अच्छा बकचोदी कर लेता हूँ थोड़ी सी। आसान नहीं है जो मैंने अभी किया, इसको घर वर में ना करें बता रहा हूँ। ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लंबा मार जाता नीचे। अरे मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, अब तुम बोलोगे कि तुम ट्रेनिंग ली क्या? अभी ट्रक बाहर लगा हुआ कल में उधर से नहीं जाने का मुझे। अभी मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है, बट अरे यार नहीं कर सकता यहाँ पे, देखो आगे वाले पे करके दिखा देता हूँ, लेकिन नहीं ये करना ठीक है बता रहा हूँ। ओके रेड हो गया, तो अभी कर सकती हूँ मैं देख। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, देखो अभी ये राइट ये लेन आ रही ना राइट से, जब तक वो सामने वाली ग्रीन नहीं हो रही थी ना तब तक तुम राइट से राइट भी नहीं जा सकते, समझ रहे हो तुम? इंडिया में लेफ्ट से लेफ्ट जा सकते ना, क्योंकि अभी तो कोई आएगा नहीं लेफ्ट से लेफ्ट में जाने में, तो यहाँ पे राइट से राइट में नहीं जा सकते भाई तुम। सिटी में बात कर रहा हूँ, सिटी से बाहर तुम जा सकते हो चौराहे।
गलत रोड, बस